So good morning, all of you. Now we are going to continue the chapter agriculture, and we had started with the fiber crops. We had completed most of the topics like wheat, rice, their geographical conditions of growth, etc. Now fiber crops. Fiber crops. जो मैंने आपको बताया था पहले ही कौन से क्रॉप्स होते हैं जिनमें क्या होते हैं. यस, फाइबर रेशे होते हैं और इन्हें हम डिफरेंट थ्रेड्स में कन्वर्ट करते हैं. सो दे आर नोन एज फाइबर क्रॉप्स. नाउ विच आर फाइबर क्रॉप्स? कॉटन, जूट, हैम्प. हैम्प इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग ग्रास. एंड देन नेचुरल सिल्क. दीज आर द फोर मेजर टाइप्स ऑफ यू नो फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. कॉटन तो आपको पता ही है, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज कॉटन. देन जूट. जूट आप जानते हो, यू आर अवेयर अबाउट जूट. यस, मैंने आपको बताया था कि बिकॉज नाउ टुडेज टाइम वी आर यू नो मोर वी आर अडॉप्टिंग मोर एंड मोर ऑफ बायोडिग्रेडेबल यू नो टेक्निक्स एंड थिंग्स. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग्स नाउ द गवर्नमेंट एंड द पीपल आर मोर एम्फसाइजिंग ऑन द यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल यू नो मटेरियल लाइक जूट. बिकॉज जूट इज ए नेचुरल फाइबर, वेयर एज पॉलिथीन जो है वो आपका कैसा फाइबर होता है? मैन मेड, जिसे आप डिकम्पोज नहीं कर सकते. सो इट इज नॉट इट इज यू नो हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट. सो आज के टाइम में देयर इज मोर एंड मोर एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ जूट. तो आज के टाइम में पहले हम जूट को सोचते थे, जूट तो बिकॉज जूट को आप उसे पहनने के लिए या फिर ऐसे उसका जो थ्रेड होता है वो बहुत स्ट्रांग नहीं होता है. ठीक है, तो उसे बेसिकली हम लोग किस लिए यूज करते हैं? फॉर मेकिंग कारपेट्स, फॉर मेकिंग बैग्स, है ना, स्टोरेज के लिए जो बैग्स होते हैं कारपेट्स के लिए या फिर कुछ डेकोरेटिव आइटम के लिए या स्लीपर्स के लिए. तो ये डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है. बट नाउ इसे और अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है ताकि लोग इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें. एंड देन हैम्प, मैंने कहा जैसे कि इट इज अ फॉर्म ऑफ ग्रास, इसके भी डिफरेंट यूजेस होते हैं. एंड देन नेचुरल सिल्क होता है. सिल्क आप जानते हो क्या होता है ना, और मैंने आपको उस क्लास में बताया था यू नो रेयरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म्स टू प्रोड्यूस सिल्क थ्रेड्स इज नोन एज, यस इट इज नोन एज सेरी कल्चर. देन कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर प्रोड्यूसिंग बेस्ट वाइन्स इन द वर्ल्ड इज नोन एज विटी कल्चर. करेक्ट. So the first three are derived from the crops grown in the soil like cotton, jute and hemp. They are derived from the plant. They are in a plant form. But the last one is natural silk, जो हमें कहाँ से मिलता है? From a organism. एक animal है जिसे हम silk worm कहते हैं, वहाँ से ये हमें मिलता है. Silk is obtained from the cocoons of the silk worms fed on green leaves, specially mulberry. ठीक है, तो आपका जो मलबरी का पेड़ होता है उस पर आपको silk worms देखने को मिलेंगे और उन सिल्क वॉर्म को रेयर किया जाता है. इन द पिक्चर यू कैन सी, ऑल्दो इट इज विजिबल फॉर ओनली द ऑनलाइन पीपल, बट लेटर ऑन यू कैन एक्सेस द वीडियो विच आई ऑलवेज सेंड द लिंक. सो देयर यू कैन सी द दिस पीपीटी एंड आई विल सेंड यू द पीपीटी ऑल्सो. ऑलराइट, सो दिस इज द रेयरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म्स ऑन अ लार्ज स्केल. एंड इंडिया एंड चाइना देयर आर वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड. चाइना नंबर वन है. सो दिस इज अ सेरिकल्चर. Whatever I'm teaching you, all of you listen very carefully because at the end I will ask question from any one of you. I can ask question from anybody. So be careful and listen very carefully. और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि मैम क्वेश्चन पूछ लेंगी, आपको आंसर करना है इसमें. आप बहुत टफ टॉपिक तो है नहीं है. ठीक है, नाउ कॉटन. फर्स्ट इज कॉटन. इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट. इनफैक्ट यू नो कॉटन जो भी हमारे इंडिया का कॉटन थ्रेड हुआ करता था या कॉटन से बने कपड़े होते थे, इट वॉज यू नो वोर बाय द रॉयल पीपल ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज लाइक रॉयल्टी. रॉयल्टी का एक होता है ना कि अच्छा इंडियन कॉटन कौन अफोर्ड कर सकता है. इट वॉज अफोर्डेड ओनली बाय द रॉयल पीपल ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली जो जो इंग्लैंड की जो क्वीन हुआ करती थी उस समय की, वो लोग या फिर जो रॉयल फैमिली से या जो रिच पीपल होते थे वही अफोर्ड कर पाते थे. इतना आप सोचिए कि क्या मतलब एक स्टेटस होगा इंडियन कॉटन का. It was so rich, alright. But later on, because Britishers जो थे वो इंडिया को जो है ट्रेड के मामले में दबाना चाहते थे, तो उन्होंने कालिको एक्ट पास किया. आपने शायद इसके बारे में 7th या 8th में पढ़ा होगा, कालिको एक्ट पास किया जिसके थ्रू उन्होंने इंडियन कॉटन को इंग्लैंड में आने से बैन कर दिया. इनफैक्ट फिर वो तो खुद ही इन्होंने इंडियन कॉटन को लेके जाते एज ए रॉ मटेरियल और उसको फिर खुद ही बना के इंडिया में सेल करने लग गए. सो लेकिन इंडिया की इंडस्ट्री जो थी स्टार्टिंग में बहुत ही एडवांस. इन द 15th, 16th, 17th सेंचुरी आर कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वर वेरी यू नो डेवलप एडवांस. इंडिया इज वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड. कॉटन ग्रोज वेल इन द ड्रायर पार्ट्स ऑफ ब्लैक सॉइल. सो इन विच सॉइल इट ग्रोज वेल? इन विच सॉइल कॉटन ग्रोज वेल? ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, यस, रेगर सॉइल. आर ई जी यू
आर रेगर सॉइल भी कहा जाता है बिकॉज इट हैज द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इट इज स्टिकी सॉइल. देन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन का पठार है वहां पे आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी. डेक्कन के पठार में कौन से स्टेट्स जो है वो आते हैं? कैन यू नेम सम स्टेट्स? गुजरात, गुजरात पार्ट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एंड फिर यस. तो ये जो है डेक्कन, इसमें सारा पार्ट नहीं आता है बट सम यू नो रीजंस ऑफ दीज स्टेट्स आर लोकेटेड इन डेक्कन प्लेट्यू. एंड डेक्कन प्लेट्यू बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ वॉल्केनिक मटेरियल, इट इज हाईली रिच इन ब्लैक सॉइल. नाउ रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल एंड 210. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉटन. इट रिक्वायर्स 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर द ग्रोथ. जब कॉटन बॉल्स ग्रो जाती हैं फील्ड में, ठीक है ना, उस समय इसको 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए. पाला नहीं पड़ना चाहिए, पाला समझते हो ना, ये कि मतलब उसमें आइस ड्रॉपलेट्स या इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए, तो वो जो बॉल्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं. एंड ब्राइट सनशाइन फॉर ग्रोथ, हल्का फुल्का तो ठीक है लेकिन अगर पूरे दिन का, पूरे दिन अगर आपका ओस पड़ रही है या फिर एक कोहरा टाइप का हो जाता है ना, तो वो सिचुएशन जो है कॉटन ग्रोथ के लिए सही नहीं होती है. देन खरीफ क्रॉप, इट इज ए खरीफ क्रॉप बिकॉज इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर. आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, हाई टेम्परेचर मीन्स जिन भी क्रॉप्स को हाई टेम्परेचर चाहिए होता है वो किस में आते हैं? खरीफ सीजन में. जिन क्रॉप्स को मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है वो किस में आते हैं? रबी सीजन में. लाइक दे आर ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन इन इंडिया, लाइक पीज, देन वीट. इट रिक्वायर्स 8 to 10 months टू मैच्योर. सो इट रिक्वायर्स 8 to 10 months, मतलब अगर जो भी फार्मर इसे ग्रो करते हैं दे आर डूइंग इट वेरी यू नो डेडिकेशन के साथ करते हैं सो दैट दे कैन गेन प्रॉफिट इन द मार्केट. सो कॉटन आप घर में तो कंज्यूम नहीं करोगे ना, इट इज अ कैश क्रॉप बेसिकली. ये कैश क्रॉप होता है जो फार्मर्स ग्रो करते हैं फॉर सेल इन द मार्केट. वो कौन सा क्रॉप है जो ट्रॉपिकल क्रॉप है एंड इट यू नो इट रिक्वायर्स होल ईयर टू ग्रो एंड फॉर हार्वेस्टिंग? यस, शुगर केन. देन महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटका, आंध्र, पंजाब एंड हरियाणा, तमिलनाडु, यूपी आर द मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया. ऑल्दो अदर स्टेट्स आर ऑल्सो हैज बीन मेंशनड बट द मेजर प्रोड्यूसर्स आर द डेक्कन प्लेट्यू स्टेट्स. जिनका भी एरिया डेक्कन प्लेट्यू में आता है जहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है वहाँ पे ये मेजरली ग्रो किया जाता है. सो दिस इज इन द स्लाइड हियर, यू कैन सी द कॉटन बॉल्स विच आर ग्रोइंग. नाउ नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. Now we have competed with all the crops. Like the, you should know about the geographical conditions of growth. They are major producers of all the staple crops. Major crops, जो आपने पढ़े, wheat, rice, sugar cane, tea, coffee, then cotton. Cotton के बारे में आपको पता होना चाहिए. Then इसमें ये कम rubber. Yes, pulses and millets. बिकॉज नाउ यू हैव एम्पल ऑफ टाइम, सो आप ये नहीं कह सकते कि बहुत सारे क्रॉप्स हैं अभी आप उनको बहुत, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे तो वो एक नंबर का क्वेश्चन कहीं से भी बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है. ऑलराइट, एंड एज आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू दैट द पेपर विल बी सेट अप बाय द CBSE, सो इन नो वे इट इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू. सो दे विल फ्रेम डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू. ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन आ सकता है लाइक रीजनिंग में कि दैट क्रॉप लाइक कॉटन ग्रोज इन दिस टाइप ऑफ सॉइल. Crop requires 210 frost free days. ऐसे करके वो आपसे रीजनिंग सेशन में भी कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर MCQ में भी फ्रेम कर सकते हैं. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी अटेंटिव एंड यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द NCERT बुक. दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द टाइम वेन एवर आई टीच आई ऑलवेज प्रिफर टू टीच फ्रॉम द NCERT बुक ऑनली. ये मैं आपको PPT यूज कर रही हूँ बिकॉज ये PPT बहुत अच्छी है बट लेकिन आप जो क्योंकि इसमें सब कुछ दिया हुआ है आप ये PPT भी देखना लेकिन अपनी जो बुक है उसको लाइन बाय लाइन जरूर रिफर करना. और अभी से आप पढ़ोगे तो लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं होंगे कि आपने समझा और 5 नंबर का कुछ भी 2 पेज में भर दिया, ठीक है ना, आपको बस भरना पड़ेगा उसमें जो भी OMR शीट होती है तो उसमें या तो सही होगा या तो गलत होगा. सो नाउ as we know that the condition of Indian farming was not very good or appreciable at the time of independence. Jab hum although we were mainly agricultural dependent country but jab hame azadi mili hamara agriculture bahut hi poor condition mein tha. Like can you describe some of the problems which we are facing after independence and some of the problems we are still facing? Yes,
स्वाति यस अनुष्का हाँ ये नीचे करके बोलो थोड़ा बिकॉज ऑफ इंडिगो प्लांटेशन ओके यस तो शी इज राइट शी हैज गिवन अ हिस्टोरिकल रीजन लाइक ब्रिटिशर्स दे यूज टू डू इंडिगो प्लांटेशन इन द इंडियन फील्ड एंड इंडिगो हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो फीचर दैट इट मेक्स सॉइल अनप्रोडक्टिव ठीक है ये पूरा न्यूट्रिएंट अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है एंड सॉइल को क्या कर देता है बिल्कुल अनप्रोडक्टिव कर देता है तो उसके बाद अगर आप उसमें इफ यू विल डू कल्टिवेशन ऑफ व्हीट और राइस देन इट विल नॉट बी फिजिबल वो प्रोडक्टिव नहीं होता है सो इससे सॉइल बंजर हो जाती है बेसिकली कहते हैं ना बैरन हो गई बंजर हो गई तो ये प्रॉब्लम थी तो लेकिन अगेन इंडिगो इज ए ये योर कैश क्रॉप सो जो ब्रिटिशर्स थे उसे ग्रो करते थे ताकि उनको उनकी कॉटन टेक्सटाइल मिल को जो है कलर करने के लिए डाई करने के लिए मटेरियल मिल सके ठीक है तो ये एक प्रॉब्लम थी देन व्हाट एल्स एनीथिंग एल्स भाई बहुत सारी प्रॉब्लम थी इंडियन प्रॉब्लम इंडियन फार्मर्स क्या फेस कर रहे थे इंडियन फार्मर्स बहुत अच्छे कंडीशन में थे क्या या अभी भी हैं बताइए यस अरमान एक प्रॉब्लम बताओ यस कोई भी प्रॉब्लम मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत सही आप बताइए वी आर एग्रीकल्चरल यू नो वी आर हमारे देश क्या कृषि प्रधान देश है लेकिन स्टिल हमारे एग्रीकल्चर क्या यूरोपियन कंट्रीज से मैच कर पाती है और उस समय सोचो ब्रिटिशर्स के जब हमें फ्रीडम मिली तो क्या कंडीशन हुई क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे हम जल्दी बताओ कोई इतना टफ थोड़ी टॉपिक मैंने पूछ लिया है वेरी गुड दिस वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टेंट दैट इंडियन फार्मर्स दे वर वेरी पुअर एट दैट टाइम आज भी सोचिए तो बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है सिट डाउन उस समय पॉवर्टी ऑफ द फार्मर्स फार्मर्स के पास मतलब आप सोच लो कि अभी हमारे फार्मर्स की क्या कंडीशन है जगह यस करेक्ट सो लाइक बोथ ऑफ द चिल्ड्रन दे हैव गिवन देयर पॉइंट ऑफ व्यू लाइक व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच वर फेस्ड बाय द पीपल फार्मर्स सो लाइक फर्स्ट प्रॉब्लम व्हिच अगर मैं अरमान का जो मैं बात कर रही थी सो फार्मर्स वर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी व्हिच वाज अ वेरी मेजर मेजर प्रॉब्लम लाइक अगर आप गरीब हैं फार्मर्स हमारे गरीब होंगे तो क्या वो टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स रिक्वायर होते हैं एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर इनपुट्स क्या वो उनको परचेज कर पाएंगे नहीं ठीक है एंड आपको पता है कि जो कृषि होती है उसमें फिर आप क्या यूज करोगे बुलॉक्स जो आपके ऑक्स होते हैं है ना आप मतलब पुरानी टेक्निक्स यूज करोगे बुलॉक्स आप यूज कर रहे हो आप क्या उसे क्या कहते हैं प्लॉइंग के लिए जो वो क्या उसे बोलते हैं जो हैंड से यूज करते हैं ना खुरपी हो गया फौड़ा हो गया है ना तो ये सब जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंट्स हैं वो हमारे फार्मर्स यूज कर रहे थे तो पहला क्या था पॉवर्टी ऑफ द फार्मर्स देन सेकेंड वॉज लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर एग्रीकल्चर वॉज स्टिल वेरी ट्रेडिशनल ठीक है ना पुरानी तरह की कृषि हम लोग करते थे देन देर वॉज नो कमर्शलाइजेशन अगर हम पुराना छोड़ दो अगर हम कॉमन अगर आपसे कोई पूछे कि इंडियन एग्रीकल्चर की क्या प्रॉब्लम्स हैं तो फर्स्ट प्रॉब्लम यही है डिपेंडेंस ऑन मानसून स्टिल आर फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन मानसून रेनफॉल इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया अगर आप हरियाणा यूपी वेस्ट यूपी और पंजाब को आप छोड़ दीजिए जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तो हमारे अदर एरियाज के फार्मर्स अभी भी जो है उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उनके पास जो है वो अभी भी मानसून पे डिपेंडेंट हैं गरीब हैं उनके पास ना ट्यूबवेल्स है ना वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ पे कैनाल्स की सुविधा प्रोवाइड की है और मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं सो डिपेंडेंस ऑन द मानसून और अगर मान लो बारिश नहीं हुई तो फिर क्या होगा क्रॉप क्या हो जाता है फेल हो जाता है या फिर प्रोडक्शन कम हो जाती है सो डिपेंडेंस ऑन द मॉनसून इज द फर्स्ट रीजन सेकेंड इज द पॉवर्टी पॉवर्टी से सब कुछ जुड़ा हुआ है फार्मर्स आर नॉट एबल टू परचेज यू नो बेटर इनपुट्स फॉर द फार्मिंग यू नो मेथड्स केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए एच वाई वी सीड्स चाहिए तो फार्मर्स कहाँ से परचेज करेंगे जब उनके पास पैसे नहीं होंगे देन थर्ड रीजन इज द
और क्या बताया था आपने, लैक ऑफ यस टेक्नोलॉजी स्टिल आ रहा है, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर. अभी तो स्थिति तब भी बेहतर है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो स्टिल हमारे जो फार्मर्स हैं दे डू नॉट पोजेस ट्रैक्टर्स. मान लो एक फार्मर्स के पास गांव में दो तीन के पास है बस, और जो हमारे पुअर फार्मर्स उनके पास नहीं है. सो लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स आप यूरोपियन कंट्रीज में देखिए या आप अमेरिकन कंट्रीज में देखिए, वहाँ पे जो भी काम होता है टोटली इट इज मैकेनाइज्ड, इंसान कोई काम नहीं करता है वहाँ पे. उन्होंने मशीन, एक मशीन होती है कंबाइन, एंड वो पूरा फ्रॉम द टिलिंग ऑफ द सॉइल टू जो सोइंग ऑफ द यू नो सीड टू द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप, थ्रेशिंग ऑफ द क्रॉप, एवरीथिंग इज डन बाय अ सिंगल मशीन. तो इसी से एक और प्रॉब्लम हमारी उभर के आती है, एक तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म नहीं है. फोर्थ प्रॉब्लम इज, फोर्थ और फिफ्थ प्रॉब्लम इज, साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग इज अनइकोनॉमिकल. जहाँ पे यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज में खेत इतने बड़े होते हैं और वहाँ पे गेहूं की खेती की जाती है लार्ज स्केल पर, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाता है, वहाँ पे हमारे इंडिया में क्या होता है फार्मिंग, आप खेत कितने बड़े होते हैं, इसी इतने ही एरिया में अभी 10 फार्मर्स के खेत होंगे, या 10 नहीं तो कम से कम दो तीन के तो हो ही जाएंगे. देखा आपने कभी इंडियन जो फार्म्स होते हैं छोटे छोटे होते हैं, मेड़ बनी होती है ना, और छोटे छोटे फार्मिंग फार्म्स में डिवाइड होते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का जो हमारे इंडिया में कानून है. तो ये सब क्या होता है, इट मेक्स लैंड अनइकोनॉमिकल. अब इतने छोटे छोटे खेतों में आप गेहूं उगा रहे हो, आप चावल उगा रहे हो, तो उससे क्या होता है कि कलेक्टिव नहीं हो पाता है और वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है. सो लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, नेक्स्ट आपका साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग इज वेरी स्मॉल, देन लैक ऑफ कमर्शलाइजेशन. कमर्शलाइजेशन क्या होता है कि अभी भी हमारे जो फार्मर्स होते हैं, जो हमारे अगेन यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज में जो भी आपकी फार्मिंग होती है दैट इज टोटली फॉर सेल इन द मार्केट. वहाँ के फार्मर्स बहुत रिच होते हैं. हमारे में क्या होता है कि फार्मर्स बस सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है. आपने पढ़ा ना इंडिया जैसे देशों में कौन सी फार्मिंग होती है, सब्सिस्टेंस, जबकि यूरोपियन कंट्रीज में अमेरिकन में कौन सी होती है, कमर्शियल, वाणिज्य. तो हमारे यहाँ में सब्सिस्टेंस होती है, फार्मर्स मैक्सिमम फार्मर्स उतना ग्रो करते हैं जो कि सेल्फ कंज्यूम हो जाता है, एक्स्ट्रा कुछ बचता ही नहीं, सरप्लस होता ही नहीं जो उसे मार्केट में सेल कर पाए. जस्ट हरियाणा यूपी की हम बात कर दें, यूपी में भी सिर्फ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. अब फिर जरूरत आई टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की. सो बिकॉज ऑफ द ड्रॉबैक्स इन द इंडियन एग्रीकल्चर, आर गवर्नमेंट थॉट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मॉडर्नाइज आर एग्रीकल्चर. फॉर दैट पर्पज दे स्टार्टेड टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. तो टेक्नोलॉजी तो आप जानते हो क्या होता है, एंड इंस्टीट्यूशनल मतलब कि ऐसे और सुविधाएं देना, टेक्नोलॉजी को हटाकर और भी ऐसी सुविधाएं होती है जो दी जाती हैं फार्मर्स को, जिससे एग्रीकल्चर बेहतर हो सकता है. अब हम देखते हैं क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा. एग्रीकल्चर हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. सस्टेन्ड यूजेस ऑफ लैंड विदाउट कंपैटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. सो अगेन प्रॉब्लम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि हमारे देश में क्या क्या प्रॉब्लम है. तो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हमारे देश में नहीं है. व्हाई हैज इंडिया नॉट इम्प्रूव्ड इन टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर. इंडिया क्यों नहीं इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म कर पाया. इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री स्टिल डिपेंड ऑन मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी इन ऑर्डर टू कैरी ऑन देयर एग्रीकल्चर. तो इन मोस्ट ऑफ द लाइक मैंने आपसे कहा कि हमारे देश में जगह जगह डैम बनाए गए हैं, कैनाल्स बनाए जा रहे हैं, बट तभी भी वो सुविधा हमारे पूरे भारत के फार्मर्स को अवेलेबल नहीं हो पा रही है. तो बहुत सारे फार्मर्स अभी भी ऐसे हैं जो नेचुरल मानसून के ऊपर डिपेंडेंट हैं एंड सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड केमिकल फर्टिलाइजर. ठीक है, तो हमें अभी भी अगर नेचर पर डिपेंडेंट है तो नेचर इज अनरिलायबल ना, मानसून इज हाईली इरेटिक अनरिलायबल, कब आ रहा है कब जा रहा है. आप सोचेंगे कि हमने भाई जैसे कि हमें चावल हमने ग्रो किया है, अब बारिश हो जाए क्योंकि उसको ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो बारिश नहीं हुई तो फिर क्या हो जाएगा आपका क्रॉप बेकार. तो अगर आपके पास इरिगेशन नहीं है उसे सपोर्ट करने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए, तो आपका क्रॉप जो है फेल हो जाएगा. तो इसलिए इरिगेशन का होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका फायदा सभी को नहीं हो पा रहा है. एग्रीकल्चर सीड सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कोऑपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी वर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो आजादी के बाद जो है हमने सबसे पहले क्या किया, कलेक्टिवाइजेशन. ये भी बहुत बड़ी समस्या थी हमारे भारत में, जमींदारी सिस्टम. लाइक मुट्ठी भर किसानों के पास इतनी जमीनें थी और इतने फार्मर्स के पास मुट्ठी भर जमीनें थी. ये समझ में आया आपको, दिस इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. 10 फार्मर्स हैं तो उनके पास 90% लैंड है, ओनली 10 फार्मर्स 90% लैंड. 90% फार्मर्स के पास कितना लैंड है, ओनली 10%. सो देयर वाज हाईली यू नो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड.
इसी वजह से हमारे जो फार्मर्स थे वो बहुत गरीब थे, और जो जिनके पास जो लैंडलेस थे या फिर जिनके पास कम जमीनें थी। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया। जिनके पास एक्सेस ज़मीनें थी उनसे वो ज़मीनें छीन ली गई, ले ली गई, और सिर्फ उन्हें उतनी ज़मीनें दी गई जितना, मतलब वो एक ऐसा नहीं था कि बिल्कुल अब छोड़ के उनको बिल्कुल ही अनइकोनॉमिकल दे दिया गया, लेकिन उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उनको दिया गया। और एक्सेस ज़मीनें जो थी वो लैंड जो आपके विदाउट लैंड लैंडलेस पीपल थे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जो फार्मर्स थे, ठीक है। इसको चकबंदी सिस्टम भी कहते हैं। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन क्या होता है, कोऑपरेटिव का नाम आपने सुना है, वेयर फार्मर्स दे पुल अप देयर रिसोर्सेज एंड डू द फार्मिंग। भाई गांव में मान लो दो ट्रैक्टर हैं, कुछ के पास ट्यूबवेल है, कुछ के पास पैसे हैं कि वो एच वाई वी सीड्स खरीद सके, तो वो अपने रिसोर्सेज को सब मिलजुल कर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि सब जितने भी फार्मर्स होते हैं दे ऑल कैन अवेल द फैसिलिटीज ऑफ ट्रैक्टर और मैकेनिकल थ्रेशर और मैकेनिकल हार्वेस्टर। तो सब जो है, अगर आप इंडिविजुअल खेती करोगे तो क्या होगा, जो रिच है वो तो कर लेगा, लेकिन जो पुअर आदमी होता है उसे फिर हर आदमी को ना ट्रैक्टर खरीदता फिरेगा या फिर ट्यूबवेल्स खरीदता रहेगा। सो कलेक्टिवाइजेशन हुआ, जो भी लैंड इधर उधर बिखरे हुए थे उनको, जैसे कि मान लो मेरे पास एक प्लॉट यहाँ पर है फार्मिंग का, दूसरा प्लॉट मेरा यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। ऐसा भी बहुत बार होता है कि एक प्लॉट मेरा खेत यहाँ पर है, दूसरा खेत वहाँ पर है। तो ये सरकार ने क्या किया, और वहाँ पे भी, और एक फार्मर जिसका है उसका भी यहाँ पर है वहाँ पर भी है, तो ये किया गया कि भाई आप पूरा एरिया यहाँ का ले लो और जो दूसरा फार्मर उसको पूरी की पूरी जमीन उस जगह पे दे दो, ताकि उसका लैंड होल्डिंग का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से कलेक्टिवाइजेशन जो है किया गया, कंसोलिडेशन किया गया, प्लॉट्स को आपस में मिलाए गए, ताकि जो है आप अभी देखिए आप पिक्चर यहाँ पे दी हुई है, यू कैन सी दिस पिक्चर, अगर आप देख सकते हैं तो आप ये पीपीटी जाके देखना। इसमें देखो मशीन है और ऐसा मतलब लग रहा है कि वो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्टोपस बोलते हैं वो क्या होता है, उसकी तरह मशीन लगी हुई है, सारा काम मशीन कर रही है मतलब, और हेलीकॉप्टर टाइप का पता नहीं क्या बना हुआ है, वो सारे पूरे खेत में वो छिड़क रहा है, वो स्प्रे करते हैं ना पेस्टिसाइड या और वीडीसाइड, ठीक है। तो वो पूरे वो आपके इसमें नहीं मिलेगा, इसमें पीपीटी में है, तो ये आप देख लीजिएगा, मतलब एवरीथिंग। और खेत इतना बड़ा है कि एंड ही नजर नहीं आ रहा है, ये यूरोपियन कंट्री की बात कर रही हूँ, इंडिया का नहीं, पिक्चर तो दे दिया गया है वहां का, बाहर का। नाउ लैंड फोकस वॉज द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1952 में इंट्रोड्यूस हुआ, तो 5 ईयर प्लान जानते हो, पता है, आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, है ना। तो अब डेवलपमेंट अगर हमें करना है तो उसके लिए हम बिल्कुल ब्लाइंडली हम किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते, है ना। हमें एक गोल अचीव करना होता है कि हम इन इतने साल में हमें ये चीज़ अचीव करनी है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लान, प्लानिंग। तो हमने, हमारी कंट्री ने प्लानिंग स्टार्ट किया, 5 पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान्स, कि हम जैसे 52 में स्टार्ट हुआ तो 5 साल वो प्लान रहा, और उसमें सारी चीज़ें लिखी गई कि हमें सबसे पहले अपने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना है, हमें ये करना है, मतलब जो भी पॉइंट्स थे उस समय गवर्नमेंट ने उसको पूरा चॉकआउट किया और कहा कि इतने 5 सालों में हमें ये ऑब्जेक्टिव क्या करना है, अचीव करना है। अब आप मुझे कल बताएंगे कि इस समय कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा है, ठीक है ना, जैसे कि 15 चल रहा है, 16 चल रहा है, कौन सा 5 ईयर प्लान अभी चल रहा है, तो आप मुझे कल की क्लास में बताएंगे, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। तो तब से 5 ईयर प्लान हमारा चलता आ रहा है, जब हमारी वॉर हुई थी इंडो चाइना, इंडो पाकिस्तान, तब जाके ये जो इमरजेंसी लगी थी इंडिया में, तब ये 5 ईयर प्लान थोड़ा सा मतलब नहीं चल पाया था, लेकिन उसके बाद हमेशा हमारा 5 ईयर प्लान चलता रहा। उसके बाद हमारे इंडस्ट्रीज पे फोकस आ गया अगले 5 ईयर प्लान पे, तो उस हिसाब से हमने अपनी प्लानिंग की है 5 ईयर प्लान। और उसमें सबसे पहला फोकस क्या था, लैंड रिफॉर्म्स। राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड लेड टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनएक्टेड बट लॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वर लैकिंग। तो प्रॉब्लम क्या थी कि कानून तो बन गए थे बट कानून को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था प्रॉपरली। अब हमने जमींदारी को एबॉलिश कर दिया है ना, लेकिन आप जानते हो ना कि हमारे इंडिया में वो काम बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो हमने जमींदारी को एबॉलिश कर दिया, हमने लैंड होल्डिंग्स को कलेक्टिव करने के लिए भी कानून बना दिया, बट वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। सो वट वर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। तो गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाया, फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्बार्क्ड अपॉन इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स टू इंप्रूव इंडियन एग्रीकल्चर इन 1960s and 1970s। तो हमारी गवर्नमेंट ने 1960s and 1970s के टाइम में बहुत ही बड़ा कदम उठाया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के, और उस स्टेप को हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब एग्जाम में आएगा तो बहुत बच्चे मालूम क्या लिखेंगे, उसमें लड़ाई हुई थी इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया था,
है ना, तो ऐसे आंसर्स क्या लिखने हैं? नहीं लिखने. सो व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? हरित क्रांति. या व्हाइट रेवोल्यूशन? व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड हो सकता है बताइए? शांति. अभी एग्रीकल्चर में हम शांति की बात नहीं करेंगे. किससे? आपदा. अच्छा और बताओ जरा, और थोड़ी इंटरेस्टिंग जवाब सुनने को मिले हैं. दुकान. ब्लड. फ्लड. व्हाइट रेवोल्यूशन जो है, जो सीधी चीज है वो नहीं. चलो कोई बात. यस, किसने आंसर दिया? व्हाट्स योर नेम? मोहित. यस, तो मोहित ने जो है बहुत अच्छा आंसर दिया. लेकिन आप लोगों ने इंटरेस्टिंग, यस मोहित ने आंसर दे दिया है, तो आप लोग बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग आंसर दे रहे. वेरी गुड कि आपने एटलीस्ट रिस्पॉन्स दिया. बट व्हाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड एग्रीकल्चर हम लोग पढ़ रहे हैं. मिल्क. इट इज बेसिकली टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन इंडिया. सो ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, स्टेपल क्रॉप्स ऑफ इंडिया, स्पेशली व्हीट. एंड व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. मिल्क आप कहेंगे, डेयरी में तो जैसे पनीर बहुत कुछ आ जाता है, तो स्पेशली मिल्क. इसमें एक मूवी भी बन चुकी है, आपको पता होगा. इसके मिल्क रेवोल्यूशन जो था उसके वो कौन थे जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था? वर्गीज क्यूरियन. ठीक है, उनका नाम था वर्गीज क्यूरियन. अभी एक दो साल पहले ही जो है वो नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था. आपने जो है अमूल का नाम सुना होगा, है ना? अमूल जो ब्रांड है, जिसका गुजरात आनंद डेयरी जो है, ये सब जो है ये उसी टाइम का है, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है. तो ये ऑपरेशन जो है, सॉरी मिल्क रेवोल्यूशन. सो हमारी गवर्नमेंट ने सबसे पहले 60s और 70s के टाइम में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं? पैकेज टेक्नोलॉजी. किस नाम से जानते हैं? पैकेज टेक्नोलॉजी. अब पैकेज क्या होता है पता है आपको? व्हाट इज ए पैकेज? व्हाट इज ए पैकेज? Why green revolution? सबसे पहले आपके दिमाग में, मैं किसी भी बच्चे से पूछूंगी और आप मुझे बिल्कुल फंबल करके आंसर नहीं देंगे, तुरंत आपके मुंह से रिस्पॉन्स निकलना चाहिए. ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर, सो दैट इंडिया कैन बिकम सेल्फ सफिशियंट. क्योंकि हमारे देश में 60 से पहले भुखमरी थी, लोग हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, खरीदते थे दूसरे देशों से अनाज. तो हमारी देश, हमारी गवर्नमेंट को ये था कि जब हम अनाज ही खरीदने लग जाएंगे तो बाकी हम डेवलपमेंट क्या करेंगे, क्योंकि अनाज तो बेसिक चीज है. तो हमें सेल्फ सफिशिएंट होना जरूरी है. फॉर दैट पर्पस आवर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ग्रीन रेवोल्यूशन, एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज वी बोरोड फ्रॉम मेक्सिको. हमने मेक्सिको से इसको बोरो किया था, क्योंकि उसको यहाँ पे चलाया गया था मेक्सिको में. ठीक है, तो और इसके अंतर्गत किस क्रॉप के ऊपर ज्यादा एम्फोसाइज किया गया था? वीट. वैसे अदर क्रॉप्स के लिए भी था, लेकिन सक्सेसफुल हम किस में हुए? वीट में. और आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा देश कभी भी जो है किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहा. We became self-sufficient in the production of food grains, and हमारा buffer stock जो है तब से हमेशा full रहता है. In fact, we are now selling, we are exporting, wheat, rice to all over the globe. All right. So now, what is this green revolution? Why it is called package technology? What is package? Basic मतलब क्या होता है package का? सील. ओके, पैकेज इज समथिंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स. इट इज समथिंग कंबाइन होता है ना, कि आपका पैकेज आया है. तो पैकेज मतलब इसमें जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आपको आप कहीं बर्गर खाने जा रहे हो, है ना, आप मैकडोनल्ड्स गए. अब आप सपने में सोच सकते हो कि मैकडोनल्ड्स में आप गए हो, आप तो आप वहां पे जब खरीदते हो तो आपसे कहते हैं आप कॉम्बो ऑफर है, है ना, एक पैकेज है कि आप ये ले सकते हो. तो उसमें आपको फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज भी मिल जाएंगे, आपको ये भी मिल जाएगा, आपको बर्गर, तीन चीजें एक साथ मिल जाएंगी और थोड़ा सा कम रेट में, है ना. तो ये पैकेज होता है, तो इसी को हम पैकेज कहते हैं. पैकेज टेक्नोलॉजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक साथ गवर्नमेंट ने काफी चीजें इंट्रोड्यूस की थी हमारे एग्रीकल्चर को बेहतर करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की. सेकेंड, HYV सीड्स फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए इंडिया में, हमारे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में, स्पेशली एक हैदराबाद में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, आपने आपको पता है हैदराबाद में है, तो वहाँ पे तो वहाँ पे रिसर्च वर्क करवाया गया. और वहाँ पे कहा गया कि आप जैसे चावल है, गेहूं है, तो ये अगर आप नॉर्मल सीड्स ग्रो करोगे तो इतना फायदा नहीं होगा,
तो इसलिए इस पे रिसर्च करके आप ऐसी सीड्स डेवलप करो जो कि हमारे इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो बेहतर तरीके से वो ज्यादा प्रोडक्शन दे, है ना। तो HYV सीड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्ड वैरायटी मतलब आप जितना उसमें खेतों में करोगे जितना नॉर्मल सीड्स आपको वो फायदा नहीं पहुंचाएगा, उतना HYV सीड्स आपको डबल फायदा पहुंचाएगा, मल्टीपल फायदा होगा आपको, ठीक है ना। तो इस पे एम्फसाइज किया गया, तो HYV सीड्स इंट्रोड्यूस हुई, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया गया, देन सिस्टम ऑफ इरिगेशन को बहुत ही एनलार्ज किया गया, कैनाल्स बनाए गए, ट्यूबवेल्स की फैसिलिटी जो है पब्लिक को प्रोवाइड की गई फार्मर्स को, देन केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करवाए गए, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, ये सब प्रोवाइड करने का मतलब ये नहीं था कि सरकार सबको जाके दे रही है, उस सब्सिडी रेट पर दिया गया, सब्सिडी मतलब रेट क्या किया गया, कम कर दिया गया ताकि फार्मर्स उसको परचेज कर पाए। इसीलिए आज के टाइम में लेकिन तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो प्रोडक्शन था 80s के बाद, सोचो 60s में ये इंट्रोड्यूस हुआ, 20 ईयर्स लगे, और उसके बाद जब 80s में हमने देखा इसका जो भी रिजल्ट था, इंडिया हाईली जो है सेल्फ सफिशिएंट बन गया वीट प्रोडक्शन में, राइस में भी फायदा हुआ लेकिन वीट में सबसे अधिक फायदा हुआ, ठीक है ना। और हम लोग मतलब सरप्लस हो गया हमारे पास, और उस टाइम से हमने पूरे विश्व को बेचना स्टार्ट कर दिया। हमारे देश में कभी भी जो है भुखमरी की समस्या या फिर सूखा पड़ता है तो ऐसा नहीं कि हम लोग परेशान हो जाए, क्योंकि हमारे पास बफर स्टॉक हमेशा हमारा बना रहता है, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, इससे समस्या भी हुई, ये पूरे भारत में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि सरकार हर जगह की सरकारें इसको बहुत, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहाँ मेनली ध्यान दिया, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, तो हर जगह के फार्मर्स इससे बेनिफिट नहीं ले पाए, ठीक है। आज के टाइम में यही स्टेट्स हमारे रिच है, यहाँ के फार्मर्स भी जो है अच्छी कंडीशन में, ठीक है। तो इसका फायदा हर जगह नहीं हो पाया, लेकिन हमें अभी निगेटिव इतना नहीं देखना है। निगेटिव तो बेसिकली ये है कि फार्मर्स ने फिर आगे चल के मतलब अब जाके समस्याएं हो रही है कि फार्मर्स ने अंधाधुंध केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना शुरू कर दिया इन एरियाज के, या फिर पानी ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इससे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई आज के टाइम में। तो लेकिन हमें अभी इस वक्त निगेटिव चीज पे फोकस नहीं करना है। तो बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप, वीट, ठीक है। और उसके बाद इसको पैकेज टेक्नोलॉजी क्यों कहते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ बेनिफिट्स वर प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स और इनपुट्स वर प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन द फॉर्म ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इरिगेशन फैसिलिटीज, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड वीडीसाइड्स। देन फार्मर्स को बेहतर रेट दिया गया, MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है वो फिक्स किया गया कि आप जो भी पैदावार करेंगे हम आपको इस रेट पर बेचेंगे। इससे जो एक्सपोर्टेशन होता था फार्मर्स का वो भी बंद हो गया, अब वो अपना डायरेक्ट सामान किसको बेचते थे, गवर्नमेंट को, वरना पहले क्या था प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते थे वो कहते थे नहीं हम आपको इतने रेट पर नहीं इतने रेट पर खरीदेंगे, तो सरकार ने MSP प्राइस फिक्स कर दी डिफरेंट क्रॉप्स की। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने की। एंड देन वाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड वर सम ऑफ द स्ट्रेटजीज इनिशिएटेड टू इंप्रूव इंडियन एग्रीकल्चर, बट अगेन प्रॉब्लम इसमें लिखी हुई है, इट वॉज कंसंट्रेटेड ओनली इन फ्यू सिलेक्टेड एरियाज, पूरे भारत में इंप्लीमेंट सक्सेसफुली नहीं हो पाया। देयरफॉर इन 1980s एंड 1990s अ कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड विच इंक्लूडेड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स। सो गवर्नमेंट ने देखा कि जब हमने जो भी हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था वो पूरे भारत में नहीं हो पाया, सिर्फ कुछ एरियाज में ही सिमट के रह गया, ठीक है ना। तो हमारी गवर्नमेंट ने फिर टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और वो लेकर आए पूरे देश के फार्मर्स के लिए। लाइक देखो क्या क्या लेकर आए, प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट कैलेमिटीज, ये पूरे भारत में लागू किया गया पूरे फार्मर्स के लिए, जितने भी फार्मर्स थे पूरे इंडिया में, कि अगर इन केस आपने क्रॉप ग्रो किया और बिकॉज ऑफ एनी नेचुरल कैलेमिटी, ड्रॉट है, फ्लड है ना, उसकी वजह से आपका क्रॉप फेल हो गया, तो सरकार आपको क्या देगी, उसका हर्जाना देगी, उसका कंपनसेशन आपको गवर्नमेंट देगी। देन इंश्योरेंस दिया गया ना, क्रॉप का भी हर चीज का इंश्योरेंस होता है ना, वैसे क्रॉप का भी इंश्योरेंस कराया गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, जगह जगह गाँव गाँव में क्या ओपन किए गए, ग्रामीण बैंक्स, ताकि जो फार्मर्स हैं अब वो किसी जमींदार या किसी अमीर आदमी के उसमें ना पड़े, दैट दे कैन डायरेक्टली गो टू द गवर्नमेंट बैंक, ग्रामीण बैंक, जहाँ पे उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल सकता है, ताकि वो अपनी खेती को प्रॉपर तरीके से कर सकें। ये तो पहले जमींदार थे वो क्या करते थे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और हर साल इंटरेस्ट बढ़ता रहता था और फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, तो सरकार ने ग्रामीण बैंक बना दिया। देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे बढ़ावा दिया गया कि हर गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनना चाहिए, ताकि फार्मर्स जो है वो मिलजुल कर खेती कर पाए। आपको पता है रशिया में ऐसी फार्मिंग होती है, रशिया में इंडिविजुअल, आपने रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ा था ना, हाँ,
वहां पे कॉलकोज फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग होती है वहां पे, ऐसा नहीं. यस, कम्युनिज्म सोशलिज्म, बिकॉज दे आर अगेंस्ट कैपिटलिज्म वो. यस यस. सो वो ये नहीं चाहते कि किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में सारी प्रॉपर्टी हो, है ना. जैसे अनलाइक अमेरिका और अदर जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज, वहां पे क्या होता है, कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं और बहुत लोग बहुत गरीब होते हैं. अब इंडिया में आप ले लीजिए, इंडिया में आपको 28 से 33% लोग ऐसे मिलेंगे जो बीपीएल के नीचे हैं, और कुछ बाकी मिडिल क्लास हैं, और कुछ मुट्ठी भर हैं जो बहुत ही अमीर हैं. तो हमारे देश में अमीर भी मिलेंगे और बहुत हद से ज्यादा गरीब भी मिलेंगे, तो ये सिचुएशन ठीक नहीं होती है. बेहतर देश कौन सा होता है? डेवलप और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो देश बेहतर होता है जो कि एवरेज रहे, ठीक है ना. अगर अमीर भी नहीं है तो ज्यादा गरीब भी ना हो, है ना. एक एवरेज होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप एक आदमी, तो आपके 5-10 लोग तो आप वर्ल्ड में आपके फोर्ब्स की लिस्ट में आ रहा है, आपका नाम रिलायंस का, टाटा का, बिरला का, और वहीं 33% जनसंख्या आपकी पॉवर्टी लाइन के नीचे पड़ी हुई है, जिसको एक टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा है. तो ये इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है. तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बढ़ावा दिया गया. ये जो अमूल है ये आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का नतीजा है. वहां पे फार्मर्स जो थे, अब उन्होंने किसी मिडिल मैन को देने की बजाय क्या किया, अपना ग्रुप बनाया और खुद अपना वो मिल्क जो एक्सट्रैक्शन वो निकालते हैं, और कुछ लोग उसको ले जाके मार्केट में बेचते हैं, और पूरा फायदा किसको मिलता है, फार्मर्स को. तो ये, और अब आप बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है. एंड बैंक फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू द फार्मर्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट वर सम ऑफ द स्टेप्स टेकन. नाउ अदर स्टेप्स टेकन, और क्या स्टेप लिए गए? किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया गया. देन PAIS का सिस्टम लाया गया, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम. ये कुछ और स्कीम्स जो लाई गई फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स. अब इसके प्रोविजन क्या है, तो ये तो टेक्निकल इशू है, थोड़ा देखना पड़ेगा क्या है, लेकिन PAIS एंड KCC को इंट्रोड्यूस किया गया. देन वेदर बुलेटिन, आप देखते हो हर न्यूज के बाद, आजकल तो बहुत ही कम हो गया है, लेकिन पहले जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग देखते थे DD1, DD नेशनल आता था. अब तो बहुत सारे चैनल्स हो गए, तो वो आप देखोगे तो हमेशा उस पर एजुकेशनल प्रोग्राम ज्यादा आते थे, एंटरटेनिंग प्रोग्राम ज्यादा उस समय क्या आते थे, एजुकेशनल, ठीक है. अब जैसे कि आता था ये जहां शाम हुई नहीं चौपाल आता था 4 बजे, है ना, चौपाल. अब चौपाल क्या होता है, वो पेड़ के नीचे फार्मर्स बैठ जाते थे और आपस में होता नहीं है कि एक प्रोग्राम टाइप में वो बनाते थे, डिस्कशन होता था उसमें कि भाई हमारा तो ये क्रॉप क्यों फेल हो गया, है ना, ये मैंने तो सही टाइम से ये ऐड किया था, ऐसा क्यों हो गया. तो वो फिर एक एक्सपर्ट आता था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वो बताते थे कि आपको इतना ये यूज करना चाहिए इस टाइम पे, इस टाइम पे आप कृषि करिए, ये करिए, मतलब इतना ह्यूमिडिटी होनी चाहिए. तो मतलब वो फार्मर्स को अवेयर करने के लिए, ताकि फार्मर्स जो है उस चैनल, उस प्रोग्राम को देखे, क्योंकि एक ही चैनल होता था और सारे फार्मर्स देखते भी थे, और उससे उनको काफी कुछ सीखने को मिलता था. देन उसमें ये दिखाते थे कि जो फार्मर्स उनके लिए क्या क्या बेनिफिट सरकार ने, या क्या क्या कानून सरकार उनके लिए लेकर आई है ना. तो ये सब चीजें हम लोग देते थे, चौपाल आ रहा है, और जब भी न्यूज आते थे उसमें लास्ट में हमेशा वेदर बुलेटिन, अभी आजकल भी आता ही है ना न्यूज में, लेकिन अब तो वही ज्यादातर आपके वो प्राइवेट चैनल्स ओपन हो गए जिसमें कि बकवास की न्यूज ज्यादा आती है. लेकिन अभी भी अगर आप DD न्यूज देखे, लोकसभा न्यूज देखे, जो कि आपके रेलिवेंट न्यूज चैनल्स हैं, है ना, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो अभी भी लास्ट में आपको वेदर बुलेटिन बताते हैं, वो भी अभी तो बहुत कम, लेकिन पहले बहुत अच्छे में बताते थे कि जो है कि इतने अभी इतने टाइम बारिश हो सकती है, तो इतने टाइम ये हो सकता है सूखा, वैसे ना बहुत अच्छे से बताते थे. तो वेदर बुलेटिन जगह जगह जो है न्यूज के बाद उसे इंट्रोड्यूस किया गया, एंड नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल यू नो प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए ऑन रेडियो एंड टेलीविजन पे, सो दैट फार्मर्स वो अवेयर हो सके. लास्ट पॉइंट मैं बता देती हूँ आपको, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने, सो दैट फार्मर्स कैन बी सो दैट दे कैन एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर्स फ्रॉम द प्राइवेट बिजनेसमैन और प्राइवेट ट्रेडर्स. रेम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस भी इंट्रोड्यूस किए गए, ताकि स्पेकुलेटर्स एंड मिडिल मैन को बीच में से हटाया जा सके. तो अब इसके आगे जो भी बच्चा होगी, स्लाइड से भी बची है कुछ, तो हम लोग कल की क्लास में उसे फिनिश करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग टुमारोज क्लास, आई विल स्टार्ट सर्टेन क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल, है ना. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट. आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, आपको समझ में आएंगी चीजें. तो आप जो है पढ़ के आइएगा एक बार. आई विल ये वीडियो मैं सेंड कर दूंगी आपको, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है. तो थैंक यू क्लास.